इधर तो आपने कर लिया नॉर्थ में, अब साउथ का सिनेमा बड़ा हो रहा है, ओटीटी पे बड़ा हो रहा है, जबरदस्त हिट्स आ रही है, इतना ग्रैंडियर है उनकी फिल्म में, लोग जो नॉर्थ के ईस्ट के वेस्ट के सब साउथ की फिल्में देख रहे हैं, आप जाएंगे उधर साउथ? हमारी फिल्म में भी ग्रैंडियर है? अरे वो तो है ही, जस्ट वहां झांके तनिक, कितने ग्रैंडियर वाले मैन बैठे हैं, केजीएफ, ये सारी फिल्में हिट हुई ना, पुष्पा, तो उस तरह की अगर कोई फिल्म का आपको ऑफर आता है आप जाएंगे उधर काम? मुझे ऑलरेडी ऑफर मिल गया मैडम, मैं शंकर की फिल्म कर रहा हूँ। रोहित एक बार बताइए, अलग अलग भाषाओं में मल्टीलिंगुअल होता है कि साउथ की फिल्में इज लार्जर देन लाइफ, और वो मैजिक इधर नॉर्थ में कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है, तो इतनी ज्यादा पसंद की जा रही है कि आपको लगता है कि नो वो मैजिक सर्कस में दिखेगा? वो मैजिक बहुत सारी फिल्मों में है। देखिए क्या हुआ है कि पिछले दो साल से हम एक पेंडेमिक से गुजरे, हमारी जितनी भी बड़ी फिल्में थी वो शुरू नहीं हुई या बन नहीं पाई, जो फिल्में रिलीज हुई वहां से वो सब पहले बन चुकी थी। हमारी एक सूर्यवंशी आई, उसके बाद में फिर साल शुरू हुआ, दो तीन फिल्में चली, कश्मीर फाइल्स चली, फिर भूल भुलैया चली, अब दृश्यम चली है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में चल नहीं रही हैं, और भी बीच में दो तीन फिल्में, गंगू भाई डिड रियली वेल, सो ऐसा नहीं है क्या, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो दे ऑल्सो वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑल टूगेदर कि हमारा कुछ चल नहीं रहा है। आपने छह फिल्मों का वहां नाम लिया, छह फिल्मों का मैंने यहाँ नाम लिया, अगेन वो बात यही हो जाती है ना कि हमेशा ऐसा लगता है कि यार द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ऐसा नहीं है। और एक हम वक्त से गुजर रहे हैं, और इतनी जल्दी और जो बिग स्केल डायरेक्टर्स हैं या जो बड़ी फिल्में बनाते हैं, दो साल हमने पेंडेमिक भी झेला है, हमें वो भी सोचना पड़ेगा। राजकुमार हिरानी सर की फिल्म नहीं आई है, बंसाली सर इज मेकिंग अ बिगर फिल्म विद रणवीर नाउ, रोहित शेट्टी ने अभी कॉमेडी बनाई, अभी सिंगम बनाएगा मैम, चलिए सो ऐसा नहीं है, हमारे पास भी है, पठान आएगी, फाइटर आएगी, टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा आएगी। आपको मालूम है इनका प्लान क्या है ना, सर्कस के बाद मालूम है ना क्या बन रही है, ऐसा वो क्या है एक, और फिर मैम बस क्या, इतना साल हमने एंटरटेन किया, एक साल हमारा खराब किया तो आपने ही साथ छोड़ दिया। ओहो बचपन से अमित जी को देखा होगा आपने, अक्षय कुमार को देखा होगा, अजय देवगन को देखा होगा, देखी होगी आपने अमर अकबर, एंटोनी, डॉन, शोले, खिलाड़ी, देखी होगी आपने हम आपके कौन, देखी होगी आपने मैंने प्यार क्यों, मैंने प्यार किया, देखी होगी आपने सारी वो फिल्में, दिलवाले दुल्हनिया, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी गम, देखी होगी आपने सिंगम, देखी होगी आपने सूर्यवंशी, देखी होगी आपने गोलमाल, देखी होगी आपने मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, हेरा फेरी, एक साल खराब किया और पलटी मार रहे हो आप, शोले हमने बनाई, मुगले आजम हमने बनाई, मदर इंडिया हमने बनाई, बुरा मत मानिएगा मैडम, जब जहाज में छेद होता है ना तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। लेकिन हम भी वो लोग हैं जो टाइटैनिक को डूबने नहीं देंगे, हम उड़ाना जानते हैं, उड़ा के आगे ले जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, पेंडेमिक का वक्त था, 50% की कैपेसिटी थी, मास्क लगा के लोग जाते थे, 196 करोड़ का बिजनेस किया सूर्यवंशी ने, 50%, अगर आज का कैलकुलेशन लगाएं तो वो 350 करोड़ रुपए हैं।